आपको बताया था कसाब। सो जो हमला हुआ था कसाब का, टेररिस्ट हमला जो हुआ था, तो वो टाइम पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हमने न्यूज चैनल में देखा था, पर आज भी उसका एक मूवीज नहीं मूवी निकाला है। वो कैसे निकाला है, कैसे उनको पता चला होगा कि कसाब ने कैसे ट्रिगर किया है, कसाब ने क्या प्लान किया था, उसके साथ एंड में क्या हुआ, उसके साथी कौन थे, हाउ दे कम हियर, ये सारी चीजें कैसे पता चली, बाय प्रूफ्स एंड एविडेंस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रूफ्स एंड एविडेंस, उसके हिसाब से प्रूफ्स एंड एविडेंस को क्या बोला जाता है, सोर्सेस। व्हाट वी कॉल प्रूफ्स एंड एविडेंस को, सोर्सेस बोला जाता है। सो ये हम लोग चैप्टर में यही सोचने वाले हैं कि जो हिस्ट्री में हुआ था वो सच है या झूठ है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, बाय द प्रूफ्स एंड एविडेंस। तो ये तीन चीजों में है, मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस, ओरल सोर्सेस। सो इससे पहले हमारा हिस्ट्री तीन चीजों में डिवाइड होता है, तीन पीरियड में हिस्ट्री डिवाइडेड इन अ थ्री पीरियड्स, व्हिच आर एशियन, मेडिएवल एंड मॉडर्न। दोस एशियन, मेडिएवल एंड मॉडर्न। सो जो बच्चे हम लोग छोटे थे ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तब हम लोग ने एशियन पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडिएवल। मीडिएवल व्हिच मींस मिडल, जो लगभग 13th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक का जो समय है उसको क्या बोला जाता है, मीडिएवल पीरियड। एंड जो आज का समय है उसको क्या बोला जाता है, मॉडर्न। तो ये हिस्ट्री तीन फैक्टर्स में डिवाइड हो चुकी है, तीन पीरियड्स में डिवाइड हो चुकी है। और उसके बारे में हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सच था या झूठ था, ये आज भी हम लोग को कौन से किस हिसाब से पता चलता है, कैसे पता चलता है, टू द हेल्प ऑफ सोर्सेस। तो ये सोर्सेस तीन चीजों में बटी है। तो हम लोग का ये जो पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, ये इन तीन सोर्सेस पे ही डिपेंडेंट है। फर्स्ट वन इज अ मटेरियल सोर्स, सेकेंड वन इज अ सोर्स रिटन सोर्स, एंड थर्ड वन इज अ ओरल सोर्स। क्या है, मटेरियल, रिटन एंड ओरल, राइट। सो मटेरियल सोर्स जो होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी कभी अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, जैसे कि फोर्ट्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो हम लोग को क्या बताती है, हिस्ट्री के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल ही सी फोर्ट रहेगा, तो वहाँ पे आप जाओगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की आपको बड़ी सी तलवार, उनके पोशाक, उनके नेल्स, दीज ऑल थिंग्स विल बी गेट टू सी फ्रॉम फोर्ट्स एंड द हिस्टोरिकल प्लेसेस। फिर और एक चीज़ें जो हम लोग को हिस्ट्री के बारे में बताती है, वो कौन सी चीज़ें हैं, कॉइन्स। क्या है, कॉइन्स। ऑब्वियसली आपने अपने बुक में देखा होगा, तो वहाँ पे कॉइन्स दिया गया है। जो पहले के रूलर्स थे, जो रूल करते थे पूरे कंट्री पे, वो क्या करते थे, कॉइन्स रहता था ना उस पर अपना फोटो रखते थे, या फिर उसकी उस टाइम की जो परिशियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज थी, वो उस कॉइन पे क्या करते थे, लिखते थे। दे यूज टू राइट द परशियन एंड द अरेबिक लैंग्वेज एट दैट टाइम। एंड वन मोर थिंग इज अ हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक अ कानेरी केव्स। इफ यू एवर विजिटेड टू द कानेरी केव्स विच इज नियर टू द बोरीवली, यस नेशनल पार्क, इफ यू एवर हैव विजिटेड देयर यू विल गेट टू नो कि पहले के लोग कैसे रहते थे, उनका किचन कैसा था, उनको क्या रहते थे, उनके पास क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी, उनके पास कैसे उनका, ये सारी चीज़ों से हम लोग को क्या पता चलता है, वी मटेरियल सोर्सेज से हम लोग को क्या पता चलता है कि लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, कि लोग कैसे रहते थे। मटेरियल विच मीन्स क्या, ऐसी कोई हिस्टोरिकल चीज़ है उससे हम लोग को पता चले कि वो लोग कैसे रहते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या होता है मटेरियल सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज हम लोग को तीन चीज़ों से पता चलता है, फोर्ट्स, कॉइन्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि मटेरियल सोर्सेज क्या था। ऑल सर्च एक्टिविटीज ऑफ मॉन्यूमेंट वी कॉल इट मटेरियल सोर्सेज। ओके, सो एक वर्ड है मॉन्यूमेंट, व्हाट डज इट मीन मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट विच मीन्स डे टू डे इवेंट्स। उस टाइम पे हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स होते थे वो टाइम पे लोगों ने, कुछ लोगों ने लिख के रखी है, कुछ लोगों ने वो ओरली, जनरेशन टू जनरेशन, वो तो मैं आगे आने ही वाली हूँ, एक वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट मटेरियल से हम लोग को क्या पता चलता है कि उस टाइम पे की जो भी चीज़ें थी उससे आज का हम लोग को पता चलता है कि मटेरियल सोर्स क्या था। वी गेट टू नो, वी गेट टू इन्फॉर्म अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। एंड द सेकेंड वन इज अ रिटन सोर्स, सेकेंड वन इज अ रिटन सोर्स। रिटन सोर्स में क्या है, पेंटिंग, सिंबल, साइंस, पोएट्री,
एंड वी गेट टू नो अबाउट द पीपल व्हाट द इवेंट्स हैव हैपेंड ओवर देयर. ओके, हम लोग को ये पता चलता है, किससे पता चलता है, पेंटिंग्स. उस टाइम पे ना लोग बहुत सी, जैसे कि आज के काम लोग करते हैं, आप म्यूजियम में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के आर्ट आर्ट के अलग अलग पेंटिंग्स होते हैं. क्या होते हैं वो, हम लोग को डिफाइन करते हैं कि उस टाइम पे कौन राजा था, कौन रानी थी, हु आर द रूलर्स, हाउ दे यूज टू लीव देयर लाइफ, पैलेसेस, फिर सिंबल्स, अलग अलग सिंबल्स थे जो अलग अलग रूलर्स थे, वो अलग अलग गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उनके जो सिंबल्स थे वो अलग अलग थे, साइंस अलग थी उस टाइम पे, पोएट्री लिखी गई थी एंड द साइंटिफिक वर्ड ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ें किसमें आ गई, रिटन. जो चीज़ें हम लोग को दिखती है, वी कैन सी फिजिकली, वी कैन सी, इट इज कॉल्ड मटेरियल सोर्स, वी कैन रीड, इट इज कॉल्ड रिटन सोर्स एंड लास्ट वन इज अ ओरल सोर्स. बच्चों, ओरल सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट थी है कि वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू. सो ये क्या होता है, हमारे जो दादी दादा होते हैं ना, तो वो हम लोग को क्या करते हैं, स्टोरी बताते हैं. तो जनरेशन टू जनरेशन जो पास होता है, इट इज कॉल्ड ओरल सोर्स, इट इज कॉल्ड ओरल सोर्स. सो यू कैन से फॉक सॉन्ग्स, स्टोरीज एंड ऑल. आपने कभी कार्टून देखा है, कार्टून देखा है तो उसमें कृष्णा भगवान का कार्टून आता है, पार्वती गणपति गणपति बप्पा का कार्टून आता है, उसके बारे में उनको क्या बताया जाता है कि उस टाइम पे कैसे होता था, क्या होता था. तो ये हम लोग आपको एक पोएट्री के हिसाब से या फिर आपको एक स्टोरीज के हिसाब से हम लोग दिखाते हैं ये कार्टून.